डॉक्टर जयशंकर ने एक बात और बड़ी बात बोली पुणे में. उन्होंने बोला कि टेररिस्ट शुड नॉट फील सेफ अक्रॉस द बॉर्डर वेर एवर दे आर. दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हों जिन्होंने किसी भारतीय का खून बहाया है, ही शुड नॉट फील सेफ. टेररिस्ट डू नॉट प्ले बाय एनी रूल्स. द आंसर टू टेररिस्ट कैन नॉट हैव एनी रूल्स. भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हर बार दुनिया की बड़ी ताकतों को अपना पैगाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते रहते हैं. उन्होंने साफ सीधी बात बोली कि टेररिस्ट अगर कानून नहीं मानते, कोई अगर टेररिस्ट कोई लॉ नहीं मानते, तो आप किस लॉ के तहत टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे. तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का पक्का ही मसला हल खत्म हो. समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस एंड इफ यू डू नॉट रिएक्ट How can you prevent the next one from happening? दोस्तों ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. बहुत उम्दा बात है. उन्होंने कहा कि अपने रीजन में वो पाकिस्तान से भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं लेकिन टेरर और वायलेंस फ्री. ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया. द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट मार्किंग. अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है. 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता. नो वन कैन डिक्टेट इंडिया. एक चेंज है मुझे टेररिज्म पर चेंज कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति आप एक आई वुड लाइक टू सी वन पर्सन हु फील्स दैट वी शुड नॉट हैव रेस्पॉन्डेड टू मुंबई. एवरीबॉडी इन द कंट्री फेल्ट इट. बट येट अगर आप उस समय इसका अकाउंट है उस समय के बाद में एनएसए ने लिखा था. उस समय के एनएसए नहीं अगले एनएसए जो यूपीए के एनएसए थे उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट. सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया दैट द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद. तो पॉइंट इज समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस एंड इफ यू डू नॉट रिएक्ट टू इट हाउ कैन यू प्रिवेंट द नेक्स्ट वन फ्रॉम हैपनिंग. एंड उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. सी टेररिस्ट डू नॉट प्ले बाय एनी रूल्स. द आंसर टू टेररिस्ट कैन नॉट हैव एनी रूल्स. पाकिस्तान ने 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करे, 26/11 करा, पार्लियामेंट अटैक करे, अक्षरधाम अटैक करे, राइट? हुआ ये सब. उसके बाद पाकिस्तान ने क्या करा, कश्मीर में पूरा आतंकवाद, हजारों लोग खत्म हो गए. पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद, हजारों लोग खत्म हो गए. कोई अकाउंटिंग थी उसकी? क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया, आपने किसी का जवाब नहीं दिया. आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा 26/11? उसको पता है वो 26/11 करेगा. आपने अजीत डोवाल साहब की स्पीच देखी है इंटरनेट पर? अजीत डोवाल साहब की स्पीच है कि तुम 26/11 करोगे बलूचिस्तान हाथ से चला जाएगा. इनको अब यह बात समझ में आ गई कि दोस्तों पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज. आप पाकिस्तान को जितना कूटोगे ना ये आपकी उतनी इज्जत करेंगे. ये कौम ऐसी है दोस्तों, और मैं कोई इमोशन में नहीं कह रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं. यही बात तो मैं डे वन से कह रहा हूं. इनसे बातचीत मत करो, सवेरे उठो, हाथ मुंह धो के नाश्ता करो और इनकी कुटैया करो अच्छी वाली. भाई साहब ये लोग खुद भारत माता की जय बोलेंगे. और ये बात मोदी जी को समझ में आ गई. मोदी जी ने पहले इनको समझाने की कोशिश करी और अच्छा काम करा. मैं अग्री करता हूं यार कि आप एक बार तो समझाओगे ना, आप एक बार समझाओगे. आज की तारीख में चीन क्यों कर रहा है बात कर लो हमसे, ऐसे बयान क्यों दे रहा है चीन? शुरू में शी जिनपिंग के साथ भी मोदी जी ने यही करा था. अहमदाबाद बुलाया, झूले पे बैठे, आपने फोटो देखी होंगी, उनको खिलाया खाना पीना, उनको रोड शोज करवाई, उनको बोला कि हम आपके दोस्त हैं, अरे लड़ने वड़ने का कोई फायदा नहीं है, मत लड़ो. पहले प्यार से समझाया, राइट? फिर समझ में आ गया मोदी जी को भी और सरकार को भी कि भाई बहन हो ना प्रीत. अब मार रहे हैं तो कह रहे हैं बहुत मारता है आदमी. अब जब मारना शुरू करा भारत ने, कह रही यार मोदी बहुत मारता है यार, ये गलत, इतना नहीं मारना चाहिए. तो बेटा जब प्यार कर रहा था तब भी बहुत प्यार कर रहा था, मार रहा बहुत मार रहा है.
ये स्टोरी डॉक्टर जयशंकर के पूना के इंटरेक्शन की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो आतंकवादी रूल फॉलो नहीं करते, तो आप कौन सा रूल फॉलो कर सकते हैं उनसे लड़ने के लिए, आपको भी बिना रूल के ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो हो रही है। और दोस्तों एक और बात बोलूं आखिरी में, डॉक्टर जयशंकर ने एक बात और बड़ी बात बोली पुणे में, उन्होंने बोला कि टेररिस्ट शुड नॉट फील सेफ अक्रॉस द बॉर्डर वेर एवर दे आर, दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हों जिन्होंने किसी भारतीय का खून बहाया है, ही शुड नॉट फील सेफ। दोस्तों ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है, कभी चीन का दिल करता है वो कहता है कि आप ये ना करो हमें वो नहीं करना पड़ता, कभी हमें सऊदी अरब कह देता है, कभी ईरान कह देता था, कभी हमें अमेरिका कह देता है कि ये ना करो। मुझे तो ये चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मुल्क आपके दोस्त हों वो कैसे ये कह सकते हैं कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं। हमारे दोस्तों को ये कहना चाहिए कि भाई आप ऐसे फैसले करें जो आपकी अवाम के लिए अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो नहीं है लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही है लार्जली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे। वो कहते हैं कि जी आप ईरान से गैस ना लें। हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर इसको पाकिस्तान को इसको ऑल्टरनेट भी तो बताएं ना, कहां से गैस लें। ईरान से तो सस्ती गैस मिलेगी, और अगर गैस नहीं लेते और अगर और हम गैस ले लेते हैं तो वहां पर पाबंदियां लग जाएंगे। तो मतलब फिर ताल्लुक तो वही है जो इंडिया और अमेरिका का, पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है? दुनिया की ग्रेट पावर्स भारत के साथ अपनी ग्रेट गेम्स खेलते खेलते शायद ये भूल गई हैं कि अब भारत भी एक ग्रेट पावर हो चुका है। इसीलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हर बार दुनिया की बड़ी ताकतों को अपना पैगाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि हम और सब ने एक साथ आगे बढ़ना है। अब वो ज़माने ख़त्म हो गए कि किसी दूसरे देश को लेक्चर दिया जा सके, और ख़ास तौर पर उस देश को जिसकी पॉपुलेशन ओवर 1.4 बिलियन है, जिसका ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया है, जिसके यहाँ लोगों में पैशन भी है, सिविलाइजेशन भी स्ट्रांग है। तो अब वो नेशन यानी भारत की नेशन इस ग्रेट गेम्स का खुद हिस्सा है। मुझे लगता है और मैंने किताब में ये लिखा है कि दिस इज एन इंडिया दैट इज मोर भारत। हम जो है अपने आप को अगर जो जो कहा गया कि दबाव में आए तो हम दबते नहीं हैं, हमें निर्णय लेना है तो लेते हैं, हमें कभी कभी दुनिया के नॉर्मल कन्वेंशनल थिंकिंग के खिलाफ जाना होता है तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। ये और ग्राउंडेड विचारधारा है, ये और भारत की विचारधारा है इंडिया के का। इसीलिए वो ये कहते हैं कि भारत अब इंडिया से भारत की जर्नी की तरफ है, यानी अपनी सिविलाइजेशन को आगे लेके चल रहा है।